हेलो A1 एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 3600 करते हैं। कोशिश करूंगा यह वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट हो, फिर किसी किताब को लेते हैं या ऐड क्वेश्चन करते हैं और भी, ठीक है। ये कह रहा है, एक स्कूल में 640 छात्र थे जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 था। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं, लेकिन कुछ लड़के भी शामिल हुए जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात 14:9 हो गया। तो शामिल हुए नए लड़कों की संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, 640 को 5:3 में बांटेंगे तो 400 और 240 हो गए, 30 और नए एक्स्ट्रा आ गई तो कितना हो गया, 270 हो गया। और 270 ये हो किसकी वैल्यू, 9:3 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1:3 की वैल्यू कितनी होगी, 9, 30, 27, 30। अब लड़की कितनी, 14:3 हो गई, तो 14:3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 14 3 42। अब लड़के कितने हो गए, 420, पहले 400 थे तो 20 एक्स्ट्रा हो गए, यही पूछा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है, रंजीत ने एक निश्चित मूल्य पर एक पेंसिल सेट बेचे और 126 रुपये का लाभ कमाया। ये लाभ किस प्रकार कमाया है, देखो। यदि पेंसिल सेट की लागत मूल्य 25% अधिक होता, ठीक है, और 16% का लाभ होता, ठीक है, इस तरह से इसने कमाया, ठीक है। यदि पेंसिल सेट 14 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ प्रतिशत, अगर 14 रुपये और बढ़ा देता तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। देखो, 100% है किसी चीज़ की, इस पर 25% इसकी लागत मूल्य बढ़ गया, ठीक है, 25% बढ़ गया, तो अब कितने का हो गया, 125 का। अब इस पर भी 16% का लाभ होता है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे तो लाभ होगा, तो कितना बढ़ेगा, 20%, तो कितना हो जाएगा, 145। अच्छा, 100 से 145 हुआ तो आप कहोगे 45% की वैल्यू 126 होगी, ये तो लाभ था, ऐसे तो कमाया था। अब कह रहा 14 और बढ़ा दो, 14 बढ़ाने से पहले मैं 14 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 9 5 45 और 9 1 9 और 9 6 36। अच्छा, 14 और बढ़ा देता तो यहाँ से तो 50% का लाभ होता और रुपए में बस लाभ कितना हो जाता है, 140 का। तो यही आंसर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होता अगर 14 एक्स्ट्रा कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे हैं बस, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। देखो, दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक बस को 60 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मौसम खराब का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसके चालक ने अपनी गति को मूल गति के 3/4 गति में बदल दिया, जिसके कारण बस जो है कितनी है, 4 घंटा देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंची। यदि मौसम 42 किलोमीटर आगे खराब हुआ होता तो बस 3 घंटे 36 मिनट गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंचते, तो शुरुआत बिंदु तथा गंतव्य स्थान तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अगर प्रेडिक्शन की जाती है 42 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 42 खराब आगे होती तो इसकी रियल चाल कितनी हो जाती, 3/4 रियल चाल की, और यहाँ पे ये कितनी है, 42, ठीक है। इन दोनों में अंतर जो कितने का है, पहले 4 घंटे था, अब 4 घंटे 36 मिनट, मतलब 24 मिनट का, इसको घंटे में बदल लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कौन वैल्यू लूंगा, 42/V अंदर हो जाएगा, 4 ऊपर 4 चला जाएगा, 4 -3/4/3 तो 1/3, और 12 12 से काट दूंगा मैं, 12 12 से काट, चलो 12 से 12 5 60, 12 2 24, ठीक है, 12 5 60 और 12 2 24 सही है, इससे ये कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, कितने, 7 बार, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वी जो चाल है उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात और बताओ मुझे, पहले 3 की स्पीड थी, ठीक है, सपोज करना ऐसे ऐसे लिख लो आप, 4 की स्पीड जब 3 की रह गई, ठीक है, तो उसका समय में क्या हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा इसका। अब कितना समय है, 4 घंटे, पहले कितना लगना था, मतलब 1 घटा, 1 ही तो घटा, इसे 1 की वैल्यू कितनी, 4 घंटे, तो 3 की वैल्यू 12 है, 12 के हिसाब से
चाल कितनी है? 12 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी चलेगी? 420। और 60 पहले चल चुकी है ये रही, तो टोटल कितनी चल रही दूरी? 480 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करने इन क्वेश्चनों को। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ गया? ये आ गया, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। एक मोटरसाइकिल शहर ए से बी तक पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। एक निश्चित दूरी से तय करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल में कुछ खराबी आ जाती है और वह अपनी सामान्य चाल के 3/4 से गति से चलकर बी स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचता है। यदि ये खराबी 30 किलोमीटर पहले उत्पन्न हुई होती तो बी स्थान पर पहुंचने पर 12 मिनट और अधिक देरी से पहुंचता तो मोटरसाइकिल वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखो अभी वाली बात है, प्रेडिक्शन की जाती दूरी उसे ले लो, आप कितने चलेगा? 3/4 से चलेगा, ठीक है, चाल की। वह चलना कितने की था? इसको चलना था वी की थी। अब देखो पहले तो 1 घंटा ले रहा, अब 1 घंटा 12 मिनट, तो आप कहोगे 12 मिनट एक्स्ट्रा लिए, एक्स्ट्रा तो लिखते हैं यहाँ पे। तो अब 30/V मैंने कॉमन लिया, इसे सॉल्व किया तो 1/3 आ जाएगा, 12 × 5 = 60। इससे मैंने 10 बार काट दिया तो वी बराबर 50, तो यही आंसर होना है ए। आगे करते हैं, अब कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में 21% आदमी है और 14% औरतें शादीशुदा, ये मानते हुए कि किसी भी आदमी औरत ने एक से अधिक विवाह नहीं किया तो जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? अच्छा जी, आप एक काम कर लो, मुझे मालूम है 21% मैन का बराबर है किसके? 14% वुमेन के। इससे ये काट देंगे तो मैन और वुमेन का रेशियो निकल गया कितना, मैन का कितना रहेगा? 2:40 और 60 का, बात वही हो गई ना। अच्छा टोटल जनसंख्या कितनी होगी? आप कहोगे टोटल होगी 100, ठीक है। अब 100 का 21%, क्योंकि आदमी कितनी है 40, 40 का 21% निकालूंगा तो कितने आ जाएगा? 40 8 21 = 84, ठीक है। इतनी औरत शादीशुदा है, इतनी आदमी है, तो टोटल 16.4%, कितने में? 100 में। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समूह में 130 छात्र का औसत आयु 13.56 है, ठीक है। छात्रों की संख्या का 33% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु में अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत आयु क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बॉय एंड गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल है, यहाँ पे कितना रेशियो है इनका? लड़के हमारे 6 रेशियो और लड़की है 5 रेशियो, ठीक है। अब इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू बैठ लूंगा तो 7/ कितना होगा? 5 = 20, 20 ही होगा, ठीक है। टोटल कितना है? टोटल तो 20 है, मतलब लड़कियां कितनी? 7, तो लड़की कितनी यहाँ पे? 7, और 20 में से इसे घटा दूंगा, 13 तो लड़की हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है इनका बीच का रेशियो देखना मुझे कितना आएगा, मुझे तो नहीं मालूम है। इनका निकालने का तरीका क्या है? इसका गुणा इसमें करो, 13 × 78, इसका गुणा इसमें करो 35, और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, ये जो निकलेगा इनका ओवरऑल रेशियो निकल आएगा। तो ये कितना होगा? 113/20, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2.5, 2.4। अच्छा हमें निकाल ली 5 रेशियो की लड़कियों का, तो निकालना 5 × 2 = 10, 10 और 2 = 12, तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर, वो 12 ईयर्स इनका रेशियो आ जाएगा, सॉरी अनुपात वो औसत आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुछ बिक्री का, कुल बिक्री का 20% कमीशन, इसके अतिरिक्त शुद्ध लाभ का, लाभ पर 10% का बोनस देती है, ठीक है। यदि कुल बिक्री व शुद्ध लाभ क्रम से कौन सा 10 लाख और 1,32,000 है तो कुल कमाई अलग निकाल लेना, इसका 20% और इसका 10%, दोनों को निकाल के जोड़ देना, आंसर जो आना वो आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं।
पांडे पांडे 4 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना मिश्रा 6 दिन में कर सकता है, और मिश्रा 5 दिन में उतना ही काम कर सकता है, ठीक है, जितना तिवारी 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। तिवारी एक काम को एक दिन का तिवारी को 1 दिन का 1 रुपये मिलता है, तो तिवारी एक कार्य को कितने दिन कितने रुपए में करता है, जिसे पांडे 70 डे में कर सकता है। देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पांडे का 4 दिन का काम बराबर होगा मिश्रा के 6 दिन के काम का। अभी दोबारा कह रहा, मिश्रा के 5 दिन का काम बराबर होगा पांडे के वो तिवारी के 8 दिन का। तो देखो इनका आपस में गुणा कर दो, यहाँ इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना हो, 4 5 20, ठीक है, और 30 m और 8 के 48 t। इसका मतलब क्या हो गया कि एक काम को, कोई भी काम है, उसमें मान लो पांडे कितने दिन में करता है, 20 दिन में, मिश्रा 30 दिन में और तिवारी 48 दिन में। लेकिन ये कह रहा है इन दोनों से मतलब रख रहा है, ये कह रहा है कि ये 20 दिन में और ये 48 दिन में कर रहा है, ठीक है, माना। अब ये जो काम को 70 दिन में कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें 70/20 से क्या कर लो गुणा, इसमें भी 70/20 से गुणा कर दिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब 70 दिन में जिस काम को पांडे कर रहा है, 70 दिन में जिस काम को पांडे कर रहा है, उतने ही काम को इसे इससे काटेंगे, इससे ये काटेंगे, 24 हो जाएगा, 24 7 168, तिवारी 168 दिन में कर रहा है। लेकिन तिवारी को क्या है, 1 दिन में 1 रुपया मिलता है, तो 168 दिन में कितने रुपया मिलेगा, 168 ही मिल पाएगा। चलो आगे देखो, ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, बी सी की कार्य क्षमता के अनुपात 3:2 है। यदि ए किस ए और बी किसी काम को, ठीक है, 4 दिन में करते हैं, बचे शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, अगर ए बी से चालू हुआ और बी से, मतलब ए से बी पर खत्म हुआ, बी से चालू हुआ, तो ए बी और सी का रेशियो होता है, पहले तो इसका गुणा इसमें कर दो, मतलब मेरा कहने का मतलब है इसको कैसे निकालोगे, 3 5 और 2 और 3, इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा, 6 10, फिर मतलब ऐसे गुणा करना है, ठीक है, 15, इनका रेशियो निकलेगा। अब कह रहा है 4 दिन में पहले ए भी काम करते हैं, तो 16 चौक 64, इतनी यूनिट हो गया, फिर कितना, 8 दिन ये करता है कौन सी, 15 8 120, टोटल काम कितना हो गया, 184। अब 184 को बी कितनी यूनिट को बी कितने दिन में करेगा, 10 की एफिशिएंसी के साथ, 18.4 डी में, तो आंसर ए, ठीक है। अगला करते हैं, देखो ए किसी काम के 1/4 को 21 दिन में, जबकि बी 1/4 को 7 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके काम को पूरे दिन में करेंगे कितने, देखो कैसे करेंगे, 1/4 को ए कितने में करता है, 21 में, और 1/4 को ये कितने में करता है, 7 में। अच्छा दोनों मिलके कराना, तो पहले मैं कहता हूँ ये 3/4 को कितने में करेगा, 21 में, मतलब ये जब 1/4 कर रहा है और ये 3/4 कर रहा है, काम तो पूरा खत्म हो गया, टोटल 21 दिन लगेंगे खत्म, ऐसे किया करो इन क्वेश्चनों को। एक दुकानदार 13 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुओं मुफ्त देता है, इसके साथ ही 14.28% की छूट भी देता है, इसके बावजूद भी उसे 8 से 1/3% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, अब वो लाभ किस पर गिनेगा, अपनी 16 वस्तु पर गिनेगा, 16 वस्तु गई है, तो 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इस पर कितना लाभ हो रहा है, आप कहोगे 8 से 1/3, इसका मतलब क्या होता है, 1/12, 1/12 का मतलब होता है 13/12, तो कितना हो गया, 13/12। एमआरपी कितनी है, 13 वस्तु, क्योंकि डिस्काउंट तो 13 वस्तु उन पर दे रहा है, कितनी दे रहा है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/7, तो मतलब 6/7, 13 से 13 कट गया, 4 चौक 16 4 3 12, 2 बार कट गया, यहाँ से 3 बार कट गया, तो एम आर पी और सी का
दूनी 14 9, आंसर कौन सा आ गया? ए। आगे चलो, विलियम की एक खेल में एक्स वाई को 50 में से 6 अंक तथा जेड को 65 में से 13 अंक दे सकता है, तो 55 के खेल में जेड को वाई द्वारा दिए जाने वाले अंक कितने होंगे? ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एक्स वाई का रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, ये 50 है तो ये इसके पास कितने होंगे? 6 दे सकता है ना इसको, मतलब 6 कम है इससे, तो एक्स इसे काट लूँ मैं, काटना चाहूँ तो काट लूँ, तो 4 से काट लूँ, 4 से नहीं 2 से काट लेता हूँ, ये 25 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है, और एक्स जो है जेड को कितना दे सकता है? 13, मतलब ये 65 होगा, तो ये कितना होगा? 52, 13 5 65, 13 4 52, इसको क्या बना दूँ मैं, इसमें बना दूँ एक्स, यहाँ पर 25 है तो यहाँ भी 25 कब होगा, या इसमें कितने से बना दे दूँगा? 4 से 4 से, 5 से 5 से, 5 6 20, ठीक है, तो मुझे मालूम चल जाएगा यहाँ पे एक्स कितना, वाई कितना है और जेड कितना है, तो वाई और जेड, ये वाई 44 है, नहीं 22 है, ठीक है, और ये कितना? 20 है। अच्छा अब कौन दे रहा है? वाई द्वारा दिए जा रहे हैं, तो वाई को 55 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? आप कहोगे इसमें कितने से, आप कहोगे 55 बनाने के लिए इसमें 5/2 से ही दे दो, इधर भी 5/2 से दे दो, तो ये तो 55 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50, तो कितने दे सकता है इसे? 5 ही तो दे सकता है अंक, ठीक है, आगे चल, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:3 है, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14.28% पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था 1/7, मतलब 7 में से 7 भाग निकाला था और 1 मिला दिया पानी का, मिश्रण 7 निकाला, कितना? 7, और मतलब 7 निकाला और 1 मिला दिया। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, 2 मिलाया और 14 निकाला, ठीक है, ऐसे भी कह सकता हूँ। तो देखो अब क्या है, 5:3 और 3:5, मैं कह रहा हूँ इन्होंने 2 ही निकाला और 2 ही मिलाया, ठीक है, तो उससे इन पे क्या पड़ेगा, इनके जो आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 8 यहाँ हो रहा है, 8 यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे फिर ये 12 का क्या होगा, 12 का क्या होगा, इसका हम यूज बाद में करेंगे, देखो कैसे करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया? 2, तो इस 2 की वैल्यू 2, अब मैं क्या करूँगा, ये 2 है ना, ये 2 का गुणा यहाँ देखता हूँ, मतलब 2 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 5, तो टोटल मिक्सर हो गया ये, टोटल मिक्सर, अच्छा टोटल मिक्सर जो हो गया, और कितना था? आपको भी 12 ये था, पहले मैंने निकाल के रख दिया, तो टोटल मिक्सर कितना आ गया? 17, ठीक है, 17 में से कितना भाग निकाला था? मैंने पहले कहा था 14 निकाला है, तो 14/17 आंसर आना है, ये मेथड अच्छा है, इससे उल्टी सीधे मेथड से, तो देखो अगर दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी स्थान पर जाते हैं, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से, कैसे कर सकते हो उसे, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति पहले 6 जा रहा है 6 से, या फिर ऐसे कर लो, एक व्यक्ति ने अपनी चाल 8 से 6 कर दी, ठीक है, तो उसका जो समय जो है कितना हो जाएगा? आप कहोगे समय 6 से 8 हो जाएगा, तो समय कितना घटा? 2, 2 तो घटा, इस 2 की वैल्यू कितनी दे दी है? 25, अब जो है इसको समय कितना लगना है? समय कितना लगना है? 6, 6 के लिए दोनों कितने से गुणा कर दूँ, सॉरी 6 से करने के लिए दोनों कितने का गुणा कर दूँ? आप कहोगे 3 से कर दूँ, 3 25 75,
75 हो गया 25 3, ये 75 जो है इसने मिनट लगेंगे कब, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 8 75 इसको क्या किस में बनाऊंगा मैं, मिनट को घंटे में, 15 चौक 60, 15 5 75, इसे 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर। आंसर 10 किलोमीटर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन आप करोगे टफ तो तब भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन है पर इजी। उनचास, 1 से 200 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 4 या 5 से नहीं कटती, पटती नहीं, कटती है, ठीक है। तो देखो 200 है, 200 में से 3 में से 2 संख्या तो कटेंगी नहीं, 4 में से ऐसे क्या हो गया 3 नहीं कटेंगी, 5 में से 4 नहीं कटेंगी, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कितनी बार कटेगा, 400, 400 5 बार 80, आंसर आ गया 80। 80 संख्या ऐसी जो नहीं कटेंगी, ठीक है। अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5,000 की धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्षों में 7200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि दिया जाता है, इसी ब्याज पर 4 वर्षों में 6,650 रुपये की धनराशि का कितना प्रतिशत ब्याज होगा। देखो इसको करने का तरीका क्या हमें मालूम है, ए बराबर पी प्लस आर अपॉन 100, इसको ही यूज करो, ठीक है। तो देखो ये कितनी है, 7200 हो रही है, कितनी हो रही है 7200, और ये पी को अगर डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 500, 5,000, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, आर अपॉन 100 की पावर 8, इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 36/25। अच्छा इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 6/5 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर रूट ले लिया। एक बात बताओ, अभी 4 वर्षों में ये पी आ जाएगी, इस पी का मान कितना है, आप हुए 6,650, अंतर पूछ रहा है। ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल, तो ब्याज कितना निकलेगा 1, तो ये 5 की वैल्यू कितनी है, मतलब 5 की जो वैल्यू है वो 6,650, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, भाग देंगे 1,310, आंसर है क्या ऑप्शन में, ठीक है ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, देखो कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,400 हो जाता है, 6 वर्ष में 8,100, तो मूल राशि क्या थी। ये देखो हमेशा हमेशा क्या होता है, धन लगातार मल्टीप्लाई में बढ़े, चक्रवर्ती में बढ़े, तो देखो कैसे निकालते हैं उसको, पहले वर्ष में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे, मतलब वर्ष से मतलब है मेरा पहले वर्ष में, फिर तीसरे में, फिर छठे में, ये कितना है, कितने से कितना हुआ है इतना, तो इससे मैंने ये काट दिया, ठीक है। अब कितने से काट सकते, 9, 9 6 54 और 9 9 81, 2 से 3 हुआ है, मतलब ये 2 से 3 हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 से 3 हुआ होगा, तो आप कहोगे सही बात है ये, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों को सेम बनाऊंगा, तो कितना 6 और 9, 4 6 9 हो गया। अब ये 3 वर्षों में कितना हुआ था, 54, ये ऐसे ना करो, मतलब ये तो धन 3 वर्षों में धन इतना हो जाता है, 9 वर्ष में 9 रेशियो हो जाता है, तो 9 वर्ष में कितना होगा 9 रेशियो, तो 1 वर्ष में कितना होगा, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 9 9 81 निकालनी है हमें, पहले वर्ष में कितना था, तो 9 6 36, तो 3600 ऑप्शन में होगा ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक दूध वाला पानी और दूध को 1:2 में मिलाता है, यदि पानी के क्रय मूल्य दूध का ये क्या लिखा हुआ है, चलो ये एरर है, फिर कभी करेंगे इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, 4 लगातार अभाज्य संख्या में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 385 तथा 1001 है, तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
अगर मैं 385 ठीक है और 101 को देखूं तो 5, 7 और 11 इतना ही निकल रहा है, इतना निकल रहा है। अब मैं इसमें देखूं तो 7 कितना, 7, 11 और 13 यही निकल रहा है, क्लियर है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनके फैक्टर करो, इनके फैक्टर करो, तो बड़ी संख्या 13 है, आंसर 13 ही आना चाहिए। तो देखो एक परीक्षा में ठीक प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने परीक्षा में 75 प्रश्न किए जो कि सब पूरे थे, ठीक है, 125 अंक मिलते हैं, तो सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गलत और सही की संख्या कितनी है, 75, ठीक है, ओके। सही पे तो 4 मिलते हैं, गलत पे 1 काट लिया जाता है, इस प्रकार 125 मिलते हैं। अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो आप कहोगे 5x की वैल्यू 200 और x की वैल्यू 40, तो सही अंक कौन से, 40। आगे करते हैं, चलो। बोर्डिंग हाउस में विद्यार्थी का कुल खर्च आंशिक परिवर्तनशील और आंशिक अपरिवर्तनशील है, 25 विद्यार्थी हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च 70 रुपये है, जबकि 50 विद्यार्थी हो जाते तो प्रति व्यक्ति खर्च 60 रुपये हो जाता, तो 100 विद्यार्थी हो जाएंगे तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा। अच्छा जी देखो, जब 25 व्यक्ति हैं तो खर्च 70 रुपये रहता है, जब 50 हो जाते हैं तो क्या होता है, खर्च 60 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर 25 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर खर्च 10 रुपये कम हो रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 3 का गुणा कर दो और यहाँ पे भी 3 गुणा का गुणा कर दो, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है, और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 25 75 बढ़ा दूँ 100 में, तो ये 100 हो जाएंगे, तो यहाँ से ये कितना घट जाएगा, फिर 30 घटे तो 40 हो जाएगा पर व्यक्ति खर्च। आगे करो, देखो ऐसे ऑप्शनों को जब संख्या पूछी जाए ना तो क्या ऑप्शन उसे करना सीखो। दो संख्याओं का योग, दो अंकों की एक संख्या योग 7 है, तो 7 7 7 ये हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है संख्या के इकाई का अंक संख्या के दहाई के अंकों को आधा करने पर, ठीक है, अब कह रहा है संख्या के इकाई का अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई के अंक के बराबर है, इसे आधा करो तो 26 हो जाएगा। इकाई का अंक आधा करने पर दहाई के अंक पहली सेटिस्फेक्शन ये आधा होंगे नहीं, क्योंकि 3 अंकों में पहुंच जाएगा वही आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है संख्या के दहाई का अंक 5 आधा करने पर प्राप्त संख्या के इकाई के अंक से 1 कम है, ठीक है, 6 का 1 कम कर देंगे 5 हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन कर रही है, यही आंसर होगा फिर तो। देखो अब किसी वर्ग में कुछ विद्यार्थी हैं जिनमें प्रत्येक को कुछ मिठाई दी जाती है, यदि 175 विद्यार्थी के स्थान पर 35 कम विद्यार्थी होते तो प्रत्येक विद्यार्थी को 8 मिठाई अधिक मिलती, तो बताइए कितनी मिठाई बांटी गई। अच्छा जी देखो एक काम करते हैं, एक्स मिठाई मान ली, ठीक है, अब कितनी बांटी गई है, मतलब 35 कम कर दिए मैंने, अब बटनी कितनी थी, 175, इससे क्या हुआ 8 अधिक मिली प्रत्येक को, टोटल मिठाई तो इतनी थी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इधर 140 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, नीचे 35 का भाग लग जाएगा, 35 35 दूनी 70, 4 बार कट गया, और 32 32 170 है, और 50 ठीक है 5600 हो गया, ठीक है, कैलकुलेट करने में इतना तो सीखना आना चाहिए। अब देखो एक एक कक्षा के छात्रों को कतार में खड़ा गया, ठीक है, यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र खड़े होते, ठीक है, तो 2 कतारें कम पड़ती, यदि कतार में 4 छात्र कम खड़े होते तो कितने, 4 कतारें अधिक होती तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसे कैसे करते हैं बताते हैं आपको, यहाँ पे कतार पर कतार में स्टूडेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पर कतार में स्टूडेंट, यहाँ पर कतार का मतलब लाइन, अगर यहाँ पर 4 अधिक होते हैं एक कतार में तो 2 कतार कम पड़ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे
चार काम खड़े होते हैं तो यहाँ पे चार कतारें अधिक हो जाती हैं, तो इसका गुणा इसमें माइनस के 2s, इसका गुणा इसमें 4l, और इन दोनों को गुणनफल इधर ऐसे इसमें 4s, ये माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें माइनस के 4l, 4 चौक 16, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 24 और यहाँ से 2, तो s की वैल्यू 12, यहाँ से 12 दूनी 24 32, तो l की वैल्यू 8। अच्छा, एक कतार में कितने स्टूडेंट है, 12 है, और टोटल कतारें हैं कितनी है, 8, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 96 12 96, आंसर आ गया 96। ठीक है, एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है तथा शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। ठीक है, जब गेहूं का भाग 250 रुपये प्रति क्विंटल हो तो परिवार का कुल खर्च 1000 होता है, यदि भाव 240 रुपये प्रति क्विंटल हो तो 980 होता है खर्च। ठीक है, तो गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल हो तो परिवार का कुल खर्च होता है। अच्छा जी, देखो जब 250 के हिसाब से गेहूं का भाव, तो 1000 रुपये खर्च हो जाता है, 240 होता है तो 980 रुपये। अब मुझे मालूम तो यहाँ से कितना घटा, 20, कब, जब यहाँ पे भाव जो है 10 घट गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 100 घटता है तो यहाँ पे कितना घटेगा, 200। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाव कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1200। भाई इसे मैं इसमें जोड़ रहा हूँ तो इसे इसमें जोड़ दो, आंसर 1200 है क्या, हाँ है ना, ये रहा। आगे करते हैं, चलो देखो, एक कक्षा में प्रातः 10 बजे से 1:27 बजे तक क्लास चलती है। ठीक है, एक कक्षा 10 से 1:27 तक चलती है, इस समय में 4 पीरियड लगते हैं, हर पीरियड के बाद 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है, और प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था, एक बात बताओ आप मुझे, ये 4 पीरियड लग रहे हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, इनके बीच में गैप दिया जा रहा है 5 5 का, कुछ भी मान लो टीचर पानी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके लिए 5 5 मिनट दिए हैं क्लास में पहुंचने के लिए, 5 5 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम ना हो, तो टोटल यहाँ पर मिनट कितनी खराब कर दी उन्होंने, 15 मिनट खराब कर दी। अच्छा, 5 से 27, 10 से 1:27, तो 180 हो गया, 180 207 मिनट हो गए टोटल, 260 मिनट में से 5 मिनट तो ये खराब ही कर दी, तो कितनी बचेंगी, 152, 152 में 4 पीरियड लगते हैं, तो एक पीरियड कितने का लगेगा, 48 मिनट का, आंसर यही है। ठीक है, अब अगर एक मेंढक एक छलांग में 60 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फिसल जाता, मतलब उछलता इतना फिसलता इतना, तो कह रहा है 9 मीटर गहरे कुएं से बाहर निकलने के लिए कितनी छलांगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पहली छलांग होती है ना, उसे हमेशा अलग लिखा करो। अब ये यहाँ तक तो कितने तक चढ़ेगा, 28 प्लस, अब ये 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाएगा तो ये टॉप पर पहुँच जाएगा, 29 छलांग ऊपर पहुँच जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही है, आपको बताना है सेशन कैसा लगा। ठीक है, इसी स्पीड से और इसी अप्रोच से क्वेश्चन करनी है, जिससे कि हम सारे क्वेश्चन कर सकें। चलो मिलते हैं फिर कभी, बाय, सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट सीरीज तक।